अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्यूअर्स, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो इस रेमेडी के हवाले से है जो कि हम बना रहे हैं स्किन फेयर करने के लिए। इसमें ये एक ऐसी रेसिपी है या फिर ऐसी रेमेडी है जिसे जिसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, क्योंकि इस रेमेडी को डेली यूज में मैं खुद इस्तेमाल कर रही होती हूँ। क्योंकि अक्सर जब बाहर आपका जाना होता है, स्किन आपकी झुलस से जाती है सनलाइट की वजह से, स्किन पे निशानात आ जाते हैं आपके हाथों पे या फिर फेस पर, तो इसके लिए बहुत ज्यादा फायदे हैं। इसमें जो हम रेमेडी में जो ऐड करने जा रहे हैं चीजें, वो है आपके पास सबसे पहले हल्दी। हल्दी लेंगे हम इसके साथ और हम लेंगे दही, योगर्ट जिसे आप कह रहे होते हैं। इसमें हमने पानी थोड़ा सा ऐड किया है ताकि ये थोड़ी पतली हो जाए और हमारी रेसिपी क्यों हम पेस्ट बनाएंगे तो वो इसमें आराम से शामिल हो सके। और साथ ही लिया है हमने बेसन और लिया है हमने यहाँ पर लेमन जूस। अब इसको हम जो बनाएंगे वो इस तरह से, हमने 2 टेबल स्पून हम लेंगे इसमें बेसन, या आप आराम से फ्रीज भी कर सकते हैं इसको, आप इजीली रखिए और 1 to 2 days में आप इसको यूज कर सकते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। अगर आप 2 times भी 2 times a day अगर आप यूज करें तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये हमने इसमें 2 spoons हमने लिए बेसन के। अब हम इसमें लेंगे थोड़ी सी हल्दी, या आप देख सकते हैं 1/2 tablespoon हमने इसका हल्दी ली है। इसमें अब हम लेंगे 1 tablespoon लेमन जूस, और इसके साथ ही हमने यहाँ पे इसमें शामिल किया है योगर्ट, दही हमने शामिल किया जिसमें हमने थोड़ा सा पानी मिला लिया था ताकि ये पेस्ट इजीली बन सके। हम इसको मिक्स कर रहे हैं, इसका हम पेस्ट बनाएंगे जो कि हम डेली यूज करना होता है। मॉर्निंग में कर लें या फिर आप इवनिंग में कर लें, डे में अगर आप 2 times करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपकी स्किन इससे फेयर होती है, सॉफ्ट हो जाती है, जिससे आप इंस्टेंट फर्क महसूस होता है। या आप एक बार में ही लगाएंगे तो आपकी स्किन फेयर भी लगेगी, ग्लोइंग लगती है, चमक आ जाती है आपकी स्किन पर, क्योंकि स्किन जब सनलाइट से झुलस से जाती है, निशानात पड़ जाते हैं, या फिर अगर पिंपल्स के भी कुछ निशानात अगर आपके फेस पर या फिर किसी और पार्ट पर अगर आपको होते हैं, हैंड्स वगैरह पर अगर आपको कोई मार्क आ रहा होता है, डार्क सर्कल्स के लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप इसको यूज़ करते हैं। आप इसको फेस पर लगाएं, हैंड्स पर लगाएं या फीट पर लगाएं, तो आप इसको आराम से लगा के कुछ देर तक छोड़ देंगे ड्राई होने तक, फिर आप इसको रिमूव करेंगे, या फिर अगर आप चाहें तो उसका मसाज भी कर सकते हैं। मसाज करने के बाद आपने इसको टैप वाटर, जो नॉर्मल वाटर होता है, उससे आपने इसको फेस को या हैंड्स को वॉश कर लेना है। ये भी हम आपको लगाकर भी दिखाएंगे। ये पेस्ट आप देख रहे हैं बन चुका है तकरीबन। इस तरह से आपने पेस्ट बनाना है। आप चाहें तो कोई और चीज़ मज़ीद ऐड करना चाहें, यानी अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। ये इतना है कि 2 days में ईजिली हो जाएगा। एक दिन में अगर आप 2 बार भी लगाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये आपको लगा के दिखाते हैं हम। ये देखिए व्यूअर्स, हम इस पर लगा रहे हैं। ये कुछ देख लिए ड्राई होने के लिए, हमने इसको छोड़ना है, फिर उसके बाद हम इसको मसाज करेंगे। आप चाहें तो रिमूव वाटर के साथ आप ईजिली कर सकते हैं। देखिए ये हमने लगाया हुआ है, ये थोड़ा ड्राई होने के लिए हमने छोड़ा है इसको। इसको आप जेंटली मसाज भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप खुश होने के बाद रगड़ के इसको उतारना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए इसको हम अब रगड़ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। स्किन की ग्लोइंग आप देखेंगे इसके बाद। या आप इसको थोड़ा सा गीला करके मसाज भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरह रगड़ के भी उतार सकते हैं उबटन की तरह। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस। ये देखिए गाइज, इसको हमने रिमूव किया टैप वाटर से, और आप देख सकते हैं इस पे स्किन पे जिस जगह हमने लगाया था उस जगह पे ग्लो आप इजिली देख सकते हैं। स्किन ग्लोइंग हो जाती है और फेयर भी लगने लगती है। ये आप इजिली ट्राई कर सकते हैं घर पर। ये दिन में अगर आप 2 बार यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। उम्मीद है आपको ये रेमेडी पसंद आई होगी। ये रेमेडी अगर आपको पसंद आई है तो आप घर पर इस्तेमाल कीजिए और इंस्टेंट फ़र्क आपको भी महसूस होगा।
होप यू एंजॉयड द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम आवर चैनल. थैंक यू सो वेरी मच फॉर यू ऑल.